जंगल। इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विकास खंड के लवेश्वर करीमदीनपुर गाजीपुर बलिया हाटा मार्ग के किनारे एक गौर समुदाय का एक व्यक्ति एक औरत प्रधान बनी है। यहाँ पे लोगों को भी देख रहे हैं, आशा उम्मीद के साथ ये खड़े हैं और ऐसे ही लोगों के लिए क्या डॉक्टर सैयद मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जीद अवर पैदा। एक ऐसी समुदाय जो बहुत गरीब, बहुत ही हर चीज को जानने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान का नतीजा है कि आज गौड़ समाज से एक महिला, बेवा महिला प्रधान चुनी गई है, जिसका नाम है गुड्डी देवी, 628 वोट पाई हैं। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला देवी हरवार 560 वोट पाई, 68 वोट से गुड्डी देवी को जीत मिली है। और अब यहाँ के लोगों से आप बात सुनेंगे कि यहाँ जो प्रधान में परिवर्तन आया है, क्या उनका सोच है और क्या किस बात को लेकर वो काम करेंगे। जनपद गाजीपुर से ग्राउंड रिपोर्ट जावेद बिन अली की। आपका नाम बताइए। गुड्डी देवी। तो आप गुड्डी देवी क्या है? प्रधान। इस वक्त चुनी गई हैं आप? किस समुदाय से आप हैं? हाटा। किस समुदाय के हैं, किस जाति के हैं आप? गौण जाति की आप हैं। तो आपको प्रधान जो बनाया गया है, किस उम्मीद के साथ लोगों ने प्रधान बनाया, क्या उनकी उम्मीद है और आपकी सोच क्या है? हमारा सोच है कुल गरीब लोगों को देखना है। अच्छा। जैसे हम गरीब है वैसे भी लोग गरीब है। आप भी गरीब है, गरीबों को देखना चाहते हैं। तो ये जो आपको इतना बड़ा पद मिला है, कैसे मिल गया आपको? आपको पब्लिक बनाया है, लेकिन वो संविधान से मिला है। बाबा साहब के संविधान अगर नहीं होता, मिलता आप लोगों को, तो उनका भी धन है ना। बाबा साहब के अम्बेडकर अम्बेडकर साहब का एक बाबा साहब अम्बेडकर जी से उनके संविधान से आप बनी है। तो आप जनता को क्या कहना चाहती हैं? जिसका उसका पानी रहेगा उसका हम पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, इंसाफ करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए आपके आपके परिवार के अंदर जो प्रधानी वो आया है, कैसे आया? मैं शिवचरण कुमार गौड़ जी, ग्राम हाटा जी, पोस्ट मोहम्मदाबाद गाजीपुर मैं रहने वाले हूँ जी। मेरे घर में महिला सीट मेरे गांव में आया था। मेरी भाभी श्री जो प्रधानी में मैं उनका पर्चा दाखिला किया, वो हमारे ग्राम सभा हाटा से उनकी जीत हासिल हुई है। मैं उनके लिए और गांव के लिए सभी भाई बुजुर्ग माता बहनों को मैं अपने तरफ से जीत की शुभकामना दे रहा हूं। और ये कैसे आप लोग क्यों कैसे आप तो गौड़ समाज के हैं, इतना बड़ा आपका ये भूमियारों का गांव है जी, कैसे आप जीत गए? जी मैं अम्बेडकर जी का मानता हूँ कि हम लोग के लिए उन्होंने आरक्षित सीट किया। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि सरकार जो हमें इस चुनाव के लिए स्थान दिया, तो मैं अपने गांव से प्रधानी पद के लिए मैं पर्चा दाखिल किया। यानी अम्बेडकर जी का संविधान नहीं होता जी, 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 तो आपको मौका नहीं मिलता जी, ना जी, जी, नहीं मिलता। अम्बेडकर जी का संविधान का देन है जी, जी, कि आप लोगों को मौका मिला जी, है जी, 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 और चुनाव आज आप लोग जी, जी, जीते हैं जी, जी, तो जी, उनका बहुत बड़ा अभ्यास है कि उन्होंने ऐसा संविधान में बना करके दिया है। धन्यवाद। पूर्व प्रधान अजय यादव जी से जानना चाहता हूँ कि आपके ग्राम सभा में एसटी सीट आया था और एक महिला
जीती है, इस संबंध में आपका क्या विचार है? इस संबंध में ये विचार है कि हाटा गांव में इन लोगों का बहुत दिनों के बाद जब से चुनाव हमारे देश में लागू हुआ उसके बाद में इस सन में उनको जगह मिला, हम लोग सब मिलकर गांव के जनता वासी कि उस महिला को सम्मान दिया कि ये उनका भी आज मनोबल ऊंचा हो कि हमको भी सरकार चाहे अम्बेडकर जी मैंने जगह दिए कि हमको समान मैंने इस गांव के जनता लोग दिए। तो इसमें जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी का बड़ा संविधान का बड़ा रोल है जी। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी का ये संविधान में इन लोगों के लिए नहीं बनाए होते तो ये जगह इन लोगों को नहीं मिलता। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हर जातों को लेकर संविधान को बनाए और उनका जब जब समय आया उनको समय मिला मिल रहा है। किस गांव के निवासी आप हैं? हाटा गांव के। तो आप लोगों ने जो प्रधान चुना है ये किस उम्मीद के साथ चुना है? इस उम्मीद के साथ हम लोग चुने हैं कि जैसे मान लें कि ये भी गरीब है हम लोग भी गरीब हैं तो हम लोग का जो भी सहयोग होता है वो प्रधान जी हमारा पूरा करेंगे। इसी सहयोग से हम लोग पूरे गांव के जितना गरीब आदमी है इसी सहयोग से उनको हम लोग प्रधान बनाए हैं जी। तो आप लोगों की इसे पहले प्रधान जो हुआ करते थे क्या वो गरीबों की सुनते नहीं थे क्या? सर जी अगर मान लीजिए कि अगर सुनते तो फिर ये निकल ही नहीं पाते। अच्छा। जी सुनते थे लेकिन हाँ रही सवाल की हाँ थोड़ा उनका सुनते थे कोई क्लियर काम नहीं हुआ जी सर। तो आप लोगों की उम्मीद है कि अच्छा जी उम्मीद है पूरा हम लोग का पूरा एकदम उम्मीद है कि ये हमारी गरीब आदमी है ये गरीब आदमी को हम लोग प्रधान जी चुने हैं आई हम लोग को आशा पूरा ये करेगी जी। जो 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 व्यवस्था था रिक्वेस्ट उन लोगों के काम में क्या वो लोग अपने मन से करते थे कि दूसरे के मन से करते थे? नहीं वो लोग अपने मन से करते थे। अपने मन करते थे जी। अच्छा तो फिर गांव के लोगों का विकास क्यों नहीं हुआ? कहाँ से विकास होगा वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। अच्छा इसीलिए नहीं हुआ। शिवा शंकर शर्मा जी किस गांव के निवासी आप हैं? ग्राम हाटापट मंगावत गाजीपुर। बताइए शिवा शंकर शर्मा जी कि आप लोगों ने वोट दिया है परिवर्तन किया है क्यों परिवर्तन किया आप लोगों ने? जी हम लोग निम्न वर्ग के आदमी हैं तो निम्न वर्ग का प्रधान चुने हैं हम लोग। अच्छा इस हिसाब से निम्न वर्ग की भलाई हो इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट किया है। आपको उम्मीद है कि काम होगा? जी इसी उम्मीद पे हम लोग दिए हैं आप लोगों। तो इससे पहले जो प्रधान लोग काम किए हैं क्या उन लोगों के यहाँ जो काम करने का ढंग था बड़ी जात के लोग प्रधान रहे होंगे जी तो बैकवर्ड ही